अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह का। जहाँ भी रहे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहें। तो माशाल्लाह जी आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो आप सबको जुमातुल मुबारक हो। तो माशाल्लाह जी आज सुबह सुबह अजान का टाइम था, सुबह की अजान का टाइम, तो बारिश अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो गई। तो रहमत का टाइम था सुबह सुबह का टाइम, तो आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश भी काफ़ी तेज़ बारिश है, काफ़ी देर बारिश बरसती रही, तकरीबन 8 बजे तक बारिश इतना तेज़ बरसती रही ना, काफ़ी बारिश आई है। तो इसलिए बच्चों ने कहा है कि हमें आज समोसे और पकोड़े बना कर दें, तो इसलिए बच्चों के लिए विलेज टाइप के समोसे और पकोड़े बना रही हूँ मैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, हमारी सपोर्ट फुल सपोर्ट करें, मुकम्मल देखें। तो आपके मुकम्मल देखने की वजह से हमारी सपोर्ट होगी, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हो सके तो आप शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपकी आगे आपकी मर्ज़ी। इसलिए मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे कह रही हूँ। तो समोसों की फिलिंग के लिए मिसाला वगैरह मैं तैयार कर रही हूँ। आलू भी मैंने चढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर हरे धनिए भी काट रही हूँ, ये तो आखिर में जाएंगे, तो काट के रख दूँगी, तो फिर सारा सामान तैयार होगा तो जल्दी से बन जाएंगे। नीचे आलू बल रहे हैं समोसे के, और ऊपर मैंने पानी चढ़ा दिया है, जो मैंने आटा बनाना है समोसों के लिए, तो थोड़ा सा नीम गरम पानी चाहिए था, तो ये भी माशाल्लाह गरम हो चुका है। तो समोसे मैं इतना अच्छे बना नहीं लेती, लेकिन बनाती तो हूँ, इतना अच्छे नहीं बनते मुझसे, तो आज कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे बन जाए। वैसे बाजार से ख़रीद के अक्सर खा लेते हैं बच्चे, वरना मेरा भाई बना लेता है, तो वो आते हैं जब हमारे घर में, तो उनसे कहती हूँ वो बना लेते हैं, लेकिन आज मैं खुद कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा अच्छे बने, और मैं भी कोशिश करूँगी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो आधा किलो है ये मैदा, तो इसमें से आधा मैं डाल रही हूँ, काफ़ी होगा, 10-12 बन जाएंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, ऑयल नहीं है, घी है ये। अब मैं इन सब चीज़ों को, घी को, आटे को, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर कोई गलती भी हो जाएगी, अगर थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हमने खुद खाने, सेल तो नहीं करने, तो खा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो नीम गर्म पानी था वो डाला है, तो इन सबको, इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ, क्योंकि ये आटा गूंदने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब इस तरफ आलू भी उबल चुके हैं, तो मैं इन्हें उतार लेती हूँ, तो इस गल के आलू जो है ना, वो आटा ना बन जाए। तो धुआं भी है बारिश की वजह से, लकड़ियाँ गीली हैं, तो आग से इसे नहीं जल रही, सारी मेरी तो तबीयत बन रही है आज, आंखों में पानी। तो इस आटे को इसी तरह इतना गूंदना है कि ये सारा एक जान हो जाए। तो माशाल्लाह जी आटे को मैंने गूंद कर अच्छी तरह से अंदर रख दिया, मैंने कहा हवा ना लग जाए बाहर, आटे को मैंने लपेट कर रख दिया है, तो इस तरह मैंने मिसाला भी बनाना शुरू कर दिया है।
ये टमाटर प्याज थोड़ा सा हर सूखा धनिया और थोड़ा सा लहसुन। अब जी मैं इसके अंदर खुश्क मसाले डाल देती हूँ, ये जा रही है सूखी मेथी और नमक, हल्दी, लाल मिर्च, मसाले को जो है ना फुल गलाना नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको ऐसे ही साबित इसमें वो मसाला, तो माशाल्लाह मसाला बन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ। अच्छा आपको देती हूँ, देती हूँ रुको। आपको देती हूँ, देती हूँ आलू बचा के रुको। माशाल्लाह सालन तैयार हो गया समोसे का, तो इसको एक मिनट के लिए बस मिक्स करना होता है मसाले में, फिर इसे उतार लेना है। क्या है गरम तो है नहीं, खाओ। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालकर इसको मिक्स करके रख देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा। समोसे की जो समोसा बनाने के लिए रोटियां बेल लेती हूँ, तो फिर जब रोटियां मैं बेल लूंगी सालन भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी फिलिंग करूंगी। तो इस तरह मैंने एक रोटी बेल ली है, तो आप देख ले काफी मुझे मेहनत करनी पड़ी है, काफी मेरा जोर लगा है। तो बस टेढ़ी टेढ़ी मेरी हो गई है रोटी, मेरी बन चुकी है रोटी, क्योंकि कभी मैंने रोटियां नहीं बेली। मैंने कहा ना आपसे मेरे भाई बना के देते हैं, तो आगे आपको बना के दिखाती हूँ कि रोटियां कैसी बनती हैं। साथ में काट के रखती जाऊंगी ना, शापर में कहीं खुश्क हो जाएंगी ये। फिर इसको साथ ही मैं शापर के अंदर रख दी जाती हूँ ताकि ये खुश्क ना हो जाए। तो थोड़ा सा मैं साथ में इसको घी लगा देती हूँ, तो मैं थोड़ा सा हाथों को घी लगा देती हूँ, ये आटा जो मेरे हाथों को चिपकना जाए। तो माशाल्लाह जी अब मैं भराई कर रही हूँ समोसों की,
तो पता नहीं मुझसे आटा सही नहीं गूंदा गया या फिर रोटियां नहीं बनाई गई सही। तो माशाल्लाह जी ये देख ले मेरे इतना हसीन समोसे है भलाई की ये देख ले। नहीं नहीं अब कुछ सही आ रहे हैं लेकिन मुझे तरीका नहीं आ रहा समोसे बनाने का, फ्राई करने का। बाकी तो सारी चीजें मैंने तैयार कर ली हैं, यही मुझे तरीका नहीं आ रहा, पता नहीं ये कैसे बनाते हैं ऐसे। नहीं अब मैं सर्दियां आ रही हैं ना, अब मैं बनाती रहूंगी इंशाल्लाह घर पर। ये भी माशाल्लाह ठीक बन गया, अब तरीका आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप हंसिएगा मत, अगर हंसिएगा तो बहुत ज्यादा हंसिएगा तो मेरे समोसे देखकर। तो माशाल्लाह जी तैयारी हो चुकी है फ्राई करने की। अब समोसे तो कढ़ाई भी चढ़ा दिए मैंने और समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, टेढ़े मेढ़े सीधे कुछ ये सब हो चुके हैं। अच्छा कोई बात नहीं, पेट में तो टेढ़े नहीं होते ना, तोड़ तोड़ कर खाते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बनाना शुरू करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं है कि ये सही बनेंगे, कोशिश तो कर रही हूँ। अच्छा 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 हट जाओ, आप हट जाओ। अच्छा जी अब मुझे कुछ यकीन हो रहा है कि समोसे लग रहे हैं पहले मुझे यकीन नहीं था। समोसे जी क्या चाहिए आपको? ये क्या है? ये मसोसे क्या है? ये क्या है? समोसे। हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी समोसे मैंने बना लिए हैं, तो ये बच गया था थोड़ा सा आटा, तो बच्चों को मैं नमक पारे बना के दे रही हूँ। ये अंदर रख के ये लो, हम ना जाओ 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 हटो। समोसे के लिए जो रोटियां थी वो ज्यादा थी, तो आटा कोई ज्यादा हो गया था, जो बच गया मैंने कहा कि वो रखू ना, तो बच्चों ने कहा कि हमें ये बना कर दे छोटी छोटी टिकलियां। हम ना कह रही थी मुझे ये तल कर दे, क्योंकि मैंने चेक किया था ना पहले ऑयल को घी को गर्म है नहीं है, तो इसलिए ये बना रही हूँ।
सब्जी, मैं पकोड़े बना लेती हूँ। क्योंकि पकोड़ों का सामान जो है मैंने पहले बना के रख दिया था, मैंने कहा जब मैं समोसे तल कर फारिग होंगी तो उसके बाद मैं फिर पकोड़े बना लूंगी। क्या खाना है आपने? हम ना ये खाना है आपने, क्या खाना है? तो माशाल्लाह जी समोसे पकोड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, बन गए हैं, सारी चीजें तैयार हैं, चटनी भी है साथ में। और मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि समोसे ऐसे बनेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नजर आ रहे हैं। बाजार जैसे तो नहीं लग रहे लेकिन अच्छे नजर आ रहे हैं, तो खा कर पता चलेगा ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, ये भी माशाल्लाह अच्छी बनी है। और पकोड़े चेक करें, तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो भी खत्म करते हैं। और आज का हमारा जो ये वाला खाना है उल्टा सीधा खाना, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। उम्मीद तो नहीं है अच्छे से कमेंट की, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम ना आप भी कर दो अल्लाह हाफिज़।